सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी बायो का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले कुछ पार्ट्स को। तो ये चैप्टर से नीट वगैरह में तो 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है और ये काफ़ी बेसिक चैप्टर है, तो इसको शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो इसको शुरू किया गया है क्लासिफिकेशन को समझाते हुए। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? अगर आप बोले क्लासिफिकेशन, वो एक प्रोसेस है जिससे हम चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करने के प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन जो है, ये स्टार्ट कब हुआ? तो एनसीईआरटी में बोला गया है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन हमने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। तो डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से हमने सिविलाइजेशन को शुरू किया तब से हमने क्लासिफिकेशन को करने की कोशिश की। तो क्लासिफिकेशन करने की हमें ज़रूरत क्यों थी? तो ऐसी 3 ज़रूरतें पहले आई। पहली वो कारण क्या था? यूज़ के ऊपर। तो यूज़ में एक इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। तो फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, इन 3 चीज़ों के लिए ही हमने अलग अलग चीज़ों को क्लासिफाई किया। पहले की क्लासिफिकेशन में कुछ भी हमने साइंटिफिक बेसिस नहीं दिया था। तो पहले जो साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल, वो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिनने साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन को शुरू किया। तो उन्होंने सबसे पहले प्लैंट्स को लिया और उन्होंने प्लैंट्स को जनरली 3 अलग अलग क्लासिफिकेशंस में बांटा। पहला था उनके ट्रीज, मतलब वो बड़े बड़े पेड़, उन सभी को इन्होंने ट्रीज में रखा। फिर श्रब्स, छोटे छोटे पेड़, उनको इन्होंने श्रब्स में रखा। और हर्ब्स, एकदम छोटे छोटे पौधों को उन्होंने हर्ब्स में रखा। फिर एरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। एनिमल्स को इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला कैटेगरी था जिनमें रेड ब्लड सेल हो, मतलब RBC प्रेजेंट हो, और दूसरा जिनमें RBC प्रेजेंट नहीं हो। जिनमें RBC प्रेजेंट हो उन्हें एनीमा बोलते हैं और जिनमें नहीं हो उन्हें एनीमा बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। फिर एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के बाद आए कैरोलस लीनियस, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। तो लीनियस ने जो है वो सभी ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में बांटा और उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने 2 जो अलग अलग किंगडम्स बनाए वो थी प्लैंटी एंड एनिमेलिया। प्लैंटी और एनिमेलिया। तो प्लैंटी में सभी प्लांट्स और एल्गीज, फंगस, इन सब को इन्होंने ऐड किया। और एनिमेलिया में सभी एनिमल्स जैसे ह्यूमंस, चीता, और माइक्रोस्कोप जैसे पैरामीशियम, इन सब को ऐड किया। इसके क्या फ़ायदे थे? इस किंगडम क्लासिफिकेशन के ये फ़ायदे थे, ये बहुत सिंपल था और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में बांट दिया। इसका मेन बेसिस था सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है। प्लांट में सेल वॉल पाए जाते हैं, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। तो इसी कारण इन्होंने 2 अलग अलग किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया। अब क्लासिफिकेशन तो सिंपल थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि ये कुछ कुछ चीज़ों में जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई, इसने क्या नहीं कर पाई? डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई। इनमें कौन कौन से मेन चीज़ें थी जिनको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। क्योंकि प्लेंटी में आ भी रहे थे ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट्स। ब्लू ग्रीन एल्गीस तो प्रोकैरियोट्स है और प्लांट्स तो यूकैरियोट्स है, तो वो क्लियर कट डिविज़न नहीं है इधर। दूसरा जो चीज़ जिस ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, ये थे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अभी आप इस एग्जांपल में देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और प्लांट तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो यहाँ भी क्लियर कट डिवीज़न नहीं हुआ। थर्ड आती है फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। अब आप एग्जांपल ले सकते हैं प्लांटी में ही, फंगस। फंगस सेप्रोट्रोपिक होते हैं तो ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते, लेकिन दूसरी तरफ प्लांट्स फोटोसिंथेटिक है
तो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स को इसने एक ही किंगडम में रख दिया, तो इसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम आने लगे। और फिर टाइम टाइम साइंटिस्टों ने देखा कि सिर्फ सेल वॉल से क्लासीफाई करके हमें कुछ अच्छे क्लासिफिकेशन नहीं मिलते, हमें बहुत सारे अदर कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना पड़ता है। ये अदर कैरेक्टर्स में क्या आ सकता है, जैसे सेल स्ट्रक्चर ले लिया, अपने हैबिटेट ले लिया, रिप्रोडक्शन ले लिया, और ऐसे कर तरह तरह के अलग अलग फैक्टर्स को एक साथ करके हमने एक बड़ी क्लासिफिकेशन को बनाया। इसके बाद 3 किंगडम और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आए, लेकिन मेन जो क्लासिफिकेशन आया वो R.H. व्हिटेकर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1969 में दिया, जिसको हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने पूरे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में बांट दिया। उन 5 किंगडम का नाम था, फर्स्ट मोनेरा। मोनेरा क्या थे, ये सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स को इसने मोनेरा में रख दिया। तो इनमें कौन कौन आते थे, बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सब मोनेरा में आ गए। सेकेंड इनका था प्रोटिस्टा। अभी सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स तो मोनेरा में गए, लेकिन सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो थे वो प्रोटिस्टा में आए, जिसमें थे पैरामीशियम, यूग्लिना, क्राइसोफाइट्स, ये सब आ गए प्रोटिस्टा। फिर आए फंजाई। फंजाई में क्या आए, या तो सिंगल सेल ईस्ट या मल्टी सेलुलर, जैसे एस्परजिलस या सब, लेकिन ये यूकैरियोट्स थे, सिंगल या मल्टी सेलुलर यूकैरियोट थे, और ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते थे। फोर्थ और फिफ्थ इसमें भी सेम था, प्लेंटी और एनिमेलिया सब जगह था। तो प्लेंटी और एनिमेलिया, तो ये इनके 5 किंगडम थे। इन 5 किंगडम को इन्होंने किस बातों पे क्लासिफाई किया, तो ऐसे मेनली 5 चीज़ें हैं जिनमें इन्होंने क्लासिफाई किया। पहले इन्होंने देखा सेल स्ट्रक्चर फर्स्ट, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इन 5 चीज़ों में इन्होंने क्लासिफाई किया। सेल स्ट्रक्चर मतलब एक सेल या तो प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मोनेरा एकमात्र प्रोकैरियोट का किंगडम है, और बाकी 4 किंगडम्स जो है वो यूकैरियोट्स के हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। तो आप देख सकते हैं मोनेरा यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर। फंजाई में सिर्फ ईस्ट जो है वो सिर्फ सिंगल सेल होता है, बाकी मल्टीसेलुलर होते हैं, और प्लेंटी एनिमेलिया सब मल्टीसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो नरिशमेंट कैसे लेते हैं। मोनेरा में बहुत डाइवर्स है, कोई कोई ऑटोट्रॉपिक्स होता है, कोई कोई कीमो सिंथेटिक होता है, कोई कोई हेटरोट्रॉपिक्स, फास्ट मेजोरिटी तो हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं, उनमें सेप्रोफिटिक्स भी आते हैं, पैरासिटिक आते हैं। प्रोटिस्टा भी सेम है, ये ऑटोट्रॉपिक, ज़्यादातर ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं, कुछ कुछ मिक्सोट्रॉपिक होते हैं, जैसे यूग्लिना जो दोनों शो करते हैं। फंगाई मेनली जो होते हैं वो सेप्रोट्रॉपिक होते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। कुछ कुछ फंगाई जैसे रस्ट कॉज करने वाले, उस्टिलागो, ये सब जो है ये होते हैं पैरासिटिक, लेकिन फास्ट सेप्रोट्रॉपिक्स होते हैं। प्लांटी तो पता है प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक में या तो होलोजोइक या सेप्रोट्रॉपिक, प्लांट्स या वगैरह एनिमल्स को खा के अपना नरिशमेंट ले, या सेप्रोट्रॉप्स बन जाए, डेड डिकिंग मैटर पर डिपेंड करे। इसके बाद और एक आया, इसके बाद एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया काल उसका। उसमें इन्होंने क्या किया, इनके 3 डोमेन्स थे, वो 3 डोमेन्स थे आर्की, बैक्टीरिया और यूकेरिया। मतलब इन्होंने किंगडम बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक था आर्की जिनमें प्रिमेटिव बैक्टीरिया आते थे, और एक था यू बैक्टीरिया जिनमें मॉडर्न बैक्टीरिया आते थे। तो इसको इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम बना दिया। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हम लोगों ने
अपनी नॉलेज बढ़ाई की। लिनियस ने क्या किया था, प्लांट्स में ही सब फंगस, एल्गी और प्लांट्स को एक साथ रख दिया। लेकिन जैसे जैसे हमने किंगडम्स बढ़ाते गए, हमारा स्टडीज भी इजी होता गया। पहले जैसे ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडोमोनस स्पाइरोगाइरा ये सब एल्गी में आते थे, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते गए अब ये प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा में वास्ट मेजोरिटी की कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लेंटी और एनिमेलिया से आ गए, और सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो हमारे मोनेरा में आ गए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम और बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमारे पर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अब हम उनको और अलग अलग छोटी छोटी कैटेगरीज में भाग कर देंगे। तो पहले दो किंगडम आया, फिर ऐसे ऐसे 3, 4, 5, ऐसे ऐसे हम अलग अलग कैटेगरीज जब हमें स्टडी करने में मिलेगी तो हम अलग अलग पार्ट पे उनको रखते जाएंगे और नई नई कैटेगरीज बनती जाएगी। तो हमारा जो नया क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। मतलब हमारे प्राचीन ऑर्गेनिजम्स और कोई दूसरे ऑर्गेनिजम से हमारा क्या रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से भी हम ये क्लासीफाई करते हैं। हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत चेंज आया है सालों, जैसे 2 से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, वैसे ही आगे भी ये बहुत बदलती रहेगी जैसे हमारा नॉलेज बढ़ते जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, हमने यहाँ बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम मोनेरा के ऊपर बात करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।